हम लोग सभी लोकसभा अध्यक्ष के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये बातें कही थी कि लोगों को खेल की चर्चा में आना है, कई एक प्रश्न थे एक दिन, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि हम 193 में जो है इस चर्चा को लेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये लोकसभा अब स्पोर्ट्स के बारे में भी इतनी चिंतित है, कई एक सांसद बोल चुके हैं, कई एक सांसद बोलने वाले हैं, और मंत्री जी जो है वो नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूं, और इसमें एक नियम है कि यदि एक बार आप बोल लेते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए मुझे चेयर ने जो है बोलने की अनुमति दी है, पार्टी ने अनुमति दी, और ये दिखाता है कि पहले की जो एक कहावत थी जिसको कि सुनते हुए हम लोग सभी बड़े हुए, हमारा यंगर जनरेशन, हमसे जो छोटा जनरेशन है वो इन चीजों को बोलते हुए नहीं बढ़ा, लेकिन हम लोग बढ़े कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज पूरी दुनिया बदल गई और देश का जो माइंडसेट आजादी के बाद जो हमारा युवा है वो कितना बदला होगा और ये सरकार की सोच कितनी बदली होगी वही दिखाता है। कि जैसे उस दिन प्रश्न के उत्तर में आपको यदि ध्यान हो सर कि राज्यवर्धन राठौर साहब जो कि खेल मंत्री भी रहे, आईएनबी मिनिस्टर भी रहे, एक बड़े खिलाड़ी रहे जो कि मेडल जीत कर लाए, उन्होंने खुलेआम इस पार्लियामेंट में कहा एक सांसद को बोलते हुए कि मैं 2002 में मेडल जीतकर लाया इस देश के लिए, बड़ी बात थी उस वक्त उस जमाने के लिए, लेकिन मेरा एक भी फोटोग्राफ 2002 से लेकर 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखा दीजिए, इस सदन में बोल रहे थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है सर, खिलाड़ी कौन जा रहा है, जाते हुए प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, जाते हुए प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, खिलाड़ी यदि मेडल लेता है, मेडल जीतता है, देश का नाम रोशन करता है, तो मान नहीं जीतता है तो भी उसको प्रोत्साहित करते हुए, यदि कोई रोता हुआ उनको दिखाई देता है या लगता है कि किसी कारणवश छोटी सी थोड़ी सी चूक हो गई, तो एक गार्जियन की तरह, एक देश के मुखिया होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, वो उस खिलाड़ी को बधाई भी देते हैं और उस खिलाड़ी को सांत्वना भी देते हैं। और जब वो लौट कर आते हैं, केवल ये नहीं कि ओलंपिक में जो जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ में जो जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, इवन हमारे दिव्यांग बंधु यदि वो पारा ओलंपिक में भी जा रहे हैं उनको भी वही सुविधा है, और एक एक चीज का वो ख्याल रखते हैं, और ये दिखाता है हमारी सरकार का कमिटमेंट, ये दिखाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, और यह दिखाता है कि देश स्पोर्ट्स के बारे में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से पूरे देश की सोच बदली है। जो सिचुएशन है कि स्पोर्ट्स के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी या देश क्यों सोचता है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं सर, अभी वो पढ़ ही रहे, जो वातावरण है दुनिया का, उस दुनिया के वातावरण में आपको बच्चे स्वस्थ मानसिकता के चाहिए, और वो मानसिकता तब होती है कि वो केवल माल न्यूट्रिशन या इन चीजों से कि आप खाना पीना अच्छा खिला दिए तो उससे नहीं होता है। आज का जो समय है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भारत फिर भी काफी हद तक बचा हुआ है, कोई बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चे अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चों में विकार आ जाता है कि वो लड़ाई झगड़े मारपीट गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं, उनको बचने के लिए सर ये जो स्पोर्ट्स ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि हमेशा जगजीवन राम जी हमारे विश्वविद्यालय जब भागलपुर विश्वविद्यालय गए थे सभापति महोदय, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, दीक्षांत समारोह में गए थे उप प्रधानमंत्री होने के नाते, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 12 वर्ष से लेके 18-19 साल का जो समय है ये शुद्ध युवा का समय है, यूथ का समय है, और जितने बच्चे हैं उनको मेढ़ तोड़कर चलना है, जो मेढ़ तोड़कर नहीं चलते हैं तो उनके बारे में एक सोचने की आवश्यकता है कि ये बच्चे जो है युवा हैं कि नहीं, मतलब वो अलग से दुनिया से अलग हटकर काम करना चाहते हैं।
और जब तक कि उनको एक पॉजिटिव वे में आप देश के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति उनको क्या करना है यदि उनकी आवश्यकताओं को उस तरह से नहीं मोड़ेंगे, तो इस देश में क्योस हो जाएगा। और इसी में स्पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है कि जब बच्चे, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उस बच्चे को यदि आप किसी को फुटबॉल खेलने में, किसी को खो खो खेलने में, किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को बैडमिंटन खेलने में, किसी को टेनिस खेलने में यदि आप लगा देते हैं, तो बच्चे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे से हार और जीत का जो है उनको एक सुकून होता है, हारने में भी वो दुखी होते हैं, जीतने में भी वो खुश होते हैं, लेकिन हार और जीत एक दूसरे के दुश्मनी में नहीं बदलता है। और जब इस तरह से हारने और जीतने का एक मानसिक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, तो वो स्वस्थ बच्चे जो है भविष्य में, ये नहीं कि वो मेडल ही जीते, वो देश के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी है नहीं है, लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को फील्ड में एग्जॉस्ट करते हैं तो वो जो उनकी ताकत है वो इस देश की ताकत बनती है। और जो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं उसमें उसकी आवश्यकता है। इस कारण से आज ये डिस्कशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। लेकिन जो समस्या मैं देख पा रहा हूं, देखता हूं, अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूं, सांसद होने के नाते प्रश्न जो होते हैं या लोगों से जो जानकारी मिलती है, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश में है सर, कि एक तो फेडरेशन जो है, उस फेडरेशन का जो खेल है वो सरकार के सीमा से बाहर, फेडरेशन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, उस फेडरेशन में कौन मेंबर बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, और वो फेडरेशन किस आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करता है ये भी सरकार की सीमा के बाहर, उनका फाइनेंस कहां से आता है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। और सरकार जो है, मुझे जितना समझ में आता है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी जवाब देते हुए मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे, ये जो सिचुएशन है इसमें कई एक बार प्रयास हुए, क्योंकि हम छोटे जगह से आते हैं सर, ऐसे जगह से आते हैं जहां की बच्चों को कोई बहुत सुविधा नहीं है, अमीर बाप के बच्चे नहीं है, चाहे क्रिकेट का सवाल हो, महेंद्र सिंह धोनी से लेके जितने सचिन तेंदुलकर तक की यदि बात करें तो बहुत छोटे छोटे घर परिवार से जो है वो लोग निकले और देश के लिए जो है उन्होंने काम किया। मैं जहां से आता हूं सर, आप समझिए कि हॉकी के लिए हमारे लड़के और लड़कियां, झारखंड के जो बच्चे हैं वो लगातार अच्छा करते रहे, आर्चरी में लगातार बच्चे आगे बढ़ते रहे, लेकिन कई एक बार खबर आती है, क्योंकि फिर ये बातें होंगी कि एक फेडरेशन करता है और एक स्टेट का सब्जेक्ट, दो बातें हमेशा इस पार्लियामेंट में होती हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो फेडरेशन का सवाल है, या आप जो बातें कह रहे हैं वो स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ये हम और आप कानून बनाने वाले समझ सकते हैं, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं सर, उनको तो एक मन में आशा है, आकांक्षा है, उत्साह है कि वो इस देश के लिए खेलेंगे। उन बच्चों के पास ना अच्छा स्टिक है हॉकी का, ना अच्छे जूते हैं। जो रांची, जो हमारे झारखंड से जो खबरें आती रहती हैं, स्टेट जो है, हरियाणा जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, गुजरात जैसा स्टेट तो बहुत काम करता है, उसके पास पैसे हैं वो दे रहा है, लेकिन हमारा जैसा राज्य जो है वो यदि बच्चों को नहीं दे रहा तो वो जो टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए इवन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ हजारीबाग में है, और एक आध जगह जो है और हॉकी के इंस्टीट्यूट इन्होंने बना रखे हैं, उसके अलावा टैलेंट को कैसे अपने साथ रखें, उनको हम कैसे सुविधा दें, ये झारखंड जैसे राज्य में नहीं। तो यदि सरकार नहीं करेगी, फेडरेशन नहीं करेगा, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, यदि इसका जवाब मिलेगा तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए हम बहुत बेनिफिशियल होंगे। दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के पास कितना बजट है, बजट हमने बढ़ाया है,
2014 तक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मतलब होता था कि 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, इसके बाद जो है स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं था। इवन यूथ हॉस्टल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थे सर चाणक्यापुरी में है, इस पे भी केवल लिखा रहता है कि भारत सरकार से जो है वो मदद से ये बना हुआ है, लेकिन यूथ हॉस्टल का जो पोजिशनिंग है या जो उसका रख रखाव है या उसका जो मैनेजमेंट है उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का जो है कोई लेना देना नहीं। तो दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो केंद्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है फेडरेशन के, केंद्र सरकार जो सपोर्ट बेस क्रिएट करती है कि ओलंपिक में तैयारी करने के लिए किस तरह से हम इक्विपमेंट दें, किस तरह से सुविधा दें जो बच्चे आगे बढ़े, कॉमनवेल्थ के लिए जो बच्चे जाएंगे उनको कैसे, क्योंकि हमको लगता है कि प्रत्येक 4-4 साल पे खेल होता है सर, लेकिन सबका जो कैलेंडर है वो लगभग लगभग हमको लगता है कि साल 2 साल में कोई ना कोई अच्छा खेल, एशियन गेम आ जाता है, कॉमनवेल्थ गेम आ जाता है, ओलंपिक आ जाता है और वर्ल्ड कप आ जाता है। तो ये चारों गेम यदि आप देख लेंगे और उसके बाद नेशनल गेम है, नेशनल गेम में स्टेट जो है पार्टिसिपेट करता है, उसके नीचे फिर यूनिवर्सिटी का है, तो ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर में हम सालों भर किस तरह से स्टेट के कोच को अपने साथ रखते हैं, उनके प्राइवेट कोच को अपने साथ रखते हैं, केंद्र के कोच को अपने साथ रखते हैं, केंद्र के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, फेडरेशन के इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, और हमारा जो स्टेट है इसका केंद्र स्टेट के कोच का या फेडरेशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में जो है कोई क्लैरिटी नहीं। और यदि यह क्लैरिटी नहीं होगी सर तो हम पैसा कुछ भी खर्चा करते रहें इसका जो, क्योंकि हम उस दिन प्रश्न में जो है बहुत चर्चा करते हुए कह रहे थे कि इतना दिन हो गया हमने ये 10 पदक लिया, हमने 13 पदक लिया, हमने 14 पदक लिया, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के जोश के कारण आपको मैं बताऊं कि ओलंपिक में भी हमने बहुत अच्छा पदक लिया और हम जो है पैरालंपिक में भी बहुत अच्छा करके आए, और अभी जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है उसमें लगातार जो है हमारे बच्चे बच्चियां लगातार जो है गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, भारत का नाम बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो क्लैरिटी नहीं है, 130-135 करोड़ का देश जब मेडल की टैली आती है उसमें लगता है कि यूएसए, क्योंकि ठीक है लेगेसी प्रॉब्लम है, 70 साल से हमने जिस तरह का भ्रष्टाचार देखा है और सारे चीजों में भ्रष्टाचार देखा है, ये अभी नेहरू स्टेडियम बनते हुए नजर आया सर कि मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी का धर्मशाला का स्टेडियम देखने के लिए गया, 50 करोड़ में उन्होंने खूबसूरत, यदि किसी को देखना हो सर तो जो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, क्योंकि मुझे वहां खेलने का भी मौका मिला है और सांसद की टीम का मैनेजर होने के नाते, प्लेयर होने के नाते मैं वहां खेलता रहा हूं, 50 करोड़ में खूबसूरत स्टेडियम बनाया धर्मशाला का। और वही यदि आप देखिएगा सर तो 1100 करोड़ 1200 करोड़ रुपया खर्च करके हमने ये कॉमनवेल्थ के लिए नेहरू स्टेडियम बनाया, इतना बड़ा करप्शन होता रहा है सर, हमने यहां पीएससी के मेंबर होने के नाते सीडब्ल्यूजी की पूरी फाइल खंगाली है कि किस तरह से एक मंत्री ऐसा था जिसने कह दिया कि सीडब्ल्यूजी अपने को करना ही नहीं है, कॉमनवेल्थ करना ही नहीं है, और अंतिम में जब 2 साल बचा तो 2 साल के लिए कि हमको वॉर फुटिंग पर काम करना है, हमको ये गेम करना ही करना है, उस तरह से सारे जगह करप्शन करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते थे कॉमनवेल्थ गेम के लिए, जो एशियन गेम का बेस हो सकता था, जो ओलंपिक गेम का बेस हो सकता था, उन चीजों से हम महरूम हो गए। तो मेरा ये कहना है कि अंतिम समय में जो हम ये काम करते हैं तो क्या हम एक ऐसा कैलेंडर बना सकते हैं जिसमें फेडरेशन को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है, सेंटर को क्या काम करना है, और जिस तरह से अभी मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी आप सबों को बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्ल्ड चेस जो है यहां ओलंपिक करा पाने में सक्षम हो गए, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी गए, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, फुटबॉल में भी एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो उसमें से हम कहां कहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ये केवल दिल्ली बंबई कलकत्ता और बेंगलोर में ये, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं आपके वो शहरी क्षेत्र से ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं कि पेट में यदि भूख नहीं हो और मन में आग नहीं हो तो कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़े परिवार के बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उदाहरण है, चाहे वो बिल गेट्स बढ़ते हुए नजर आए, चाहे यहां धीरू भाई अंबानी बढ़ते हुए नजर आए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है राष्ट्रपति बनते हुए नजर आए, या माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेचते हुए यहां देश के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए। जिस आदमी के पेट में भूख है, और यह हमेशा कहा भी गया है विद्यार्थी के लिए, क्योंकि कोई भी
जो खिलाड़ी है या कोई भी हम लोग यहाँ आते हैं वो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है सभापति महोदय, आपको यदि ध्यान हो कि काक चेष्टा वको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव चो अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जिसमें ये पांच लक्षण हो, जिसमें कौवे की तरह जो है चेष्टा हो, जिसमें बगुले की तरह ध्यान हो, जिसमें कि कुत्ते की तरह जो है उसकी निद्रा हो, जो अल्पाहारी हो और जो गृह त्यागी हो, वही विद्यार्थी होता है और वही विद्यार्थी सक्सेसफुल होता है, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए पेट की भूख का मतलब जो है गरीबी से नहीं है, पेट का भूख का मतलब है कि उसमें बढ़ने की क्षमता है, उसको देश के लिए कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य है। और इसी कारण से आज जो तिरंगा यात्रा हमने की उसमें भी यही था कि उन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिए जिनको कि किसी चीज की इच्छा आकांक्षा नहीं थी, उनको केवल यह था कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है और इस देश को स्वतंत्र और आजाद करना है। तो मेरा यह कहना है कि उस तरह के जो छोटे छोटे जगहों से जो बच्चे आते हैं जिनमें टैलेंट है, उस टैलेंट पूल के लिए हम क्या कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं कि जैसे हम झारखंड से आते हैं तो वहां हॉकी का जो है पुरुष और महिला का हम काम कर सकते हैं, आर्चरी हमारा विषय होता है, या हरियाणा में आप जो है आपके पहलवान जो है वो होते हैं, मुक्केबाजी में नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे आज गतिशक्ति विश्वविद्यालय बना रेलवे के लिए स्पेसिफिक, उसी तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है मणिपुर के लिए बनाया गया है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और जिससे कि हम देश दुनिया में अपने आप को कैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, रूस इन सबों से मुकाबला कर पाए, क्योंकि चीन से खासकर अब तो सबसे ज्यादा थ्रेट जो है सभी खेलों में चीन से ही नजर आता है। 130 135 करोड़ के देश में हमको अच्छे खिलाड़ी पैदा करना है, वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी पैदा करना है और एक ऐसा सिचुएशन लाना है जिसमें कि भारत नंबर वन हो। जिस तरह से हम इकोनॉमी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और समय यदि ऐसा आया तो 5-10 साल 15 साल के बाद हम दुनिया के जो है विश्वगुरु बनेंगे, और इकोनॉमी में जो माननीय निर्मला सीतारामन जी ने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या हम इस तरह की कोई पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, और कैसे फंडिंग, प्राइवेट फंडिंग के साथ कैसे सरकार की फंडिंग हम आगे बढ़ा सकते हैं, यदि इस सोच के बारे में हम आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने मुझे वक्त दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।